हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल आईटीआई कैंपस एंड जॉब्स में। दोस्तों, एक न्यू कैंपस के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये मिले हैं कि दोस्तों हमने आईटीआई तो कर लिया है फ्रेंड, लेकिन इसके बाद हम करें तो करें क्या लाइफ में, जिससे हमें अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, हमारी जॉब का लेवल बढ़ सके, हम कुछ अच्छे प्रोफेशन में आए। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि जैसे आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको करना चाहिए और आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसको बढ़ाते रहना चाहिए हमेशा ज़िंदगी में। तो दोस्तों, उसी पर ये सीरीज़ में लाऊंगा, जिसमें आपको फर्स्ट में मैं आपको उसका बेसिक चीज़ें बताऊँगा, देन उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे कैसे हमें उस चीज़ में एडमिशन लेना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये करवाती है और उसकी एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी और कितने ईयर का होने वाला है। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने आईटीआई 2 ईयर का किया है, लेकिन जो डिप्लोमा होता है वो 3 ईयर का होता है, बेसिकली 3 ईयर का होता है। लेकिन आपको क्या होता है कि आपको उसमें एक सेमेस्टर की छूट दी जाती है। हाँ दोस्तों, एक सेमेस्टर की, क्योंकि बहुत से लोगों से आपने ये कहते सुना होगा कि दो हमें जो 1 ईयर की छूट मिल जाती है, तो दोस्तों उसमें 1 साल की छूट नहीं मिलती है, आपको सिर्फ एक सेमेस्टर यानी 6 महीने की छूट मिलती है। दोस्तों, मैं बेसिकली MP से हूँ, तो जो यूनिवर्सिटी हमारी लगती है टेक्निकल कोर्सेस वाली, वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी RJPV जिसका नाम है, वो हमारी यूनिवर्सिटी लगती है। तो दोस्तों, मैं उसी के जो भी MP के कैंडिडेट है, बेसिकली उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, आपको करना क्या है कि जब भी जैसे एडमिशन होते हैं पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में राजीव गांधी के, लगभग लगभग जून से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जो भी कैंडिडेट पॉलिटेक्निक करते हैं 12th या 10th के बाद, तो उनकी प्रोसेस जून से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो आईटीआई कैंडिडेट है, वो जब डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए जो एडमिशन है प्रोसेस, वो होती है दिसंबर और जनवरी में। नवंबर से, बेसिकली मैं कह सकता हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ ही होते हैं, इनमें इनकी एडमिशन प्रोसेस चलती है। फर्स्ट में आपको करना क्या होता है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी से, तो आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से आपकी प्रोफाइल बनानी होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद देन आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है, कुछ टाइम बाद चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, आपको वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है। देन उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के हिसाब से अपने को कॉलेज चॉइस करनी होती है। कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको करना क्या होता है दोस्तों, कि आपको करना क्या पड़ेगा कि आप जो भी कॉलेज आपका चॉइस हो गया है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट आता है। यदि आपने जो चॉइस किया है वो कॉलेज आपको मिलती है, आपका ITI में कितने परसेंट है, उसके बिहाफ पर आपको एडमिशन दिया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, दोनों को चॉइस कर सकते हैं। तो हमें यदि हमारी पसंद की कॉलेज में हमें अलॉटमेंट जारी हो गया, तो हम अलॉटमेंट लेके वहाँ कॉलेज में जाएंगे और एडमिशन करवाएंगे। यदि नहीं हुआ, तो हमारे पास सेकंड काउंसलिंग होती है, हम सेकंड बार भी कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। बस ओनली ऑन इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ही चॉइस फिलिंग होती है। तो ये सारी प्रोसेस थी। बाकी जो MP ऑनलाइन में कैसे करना है, तो इसके लिए आपको चेक करते रहना चाहिए DET MP ऑनलाइन करके, तो वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। और जब भी आएगा, तो मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसकी 2-3-4 वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, जैसे भी ऑनलाइन की प्रोसेस है, क्योंकि आप MP ऑनलाइन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको चार्ज करेगा, तो मैं आपको मोबाइल से ही इसका फॉर्म भरने का तरीका बताऊँगा। और दोस्तों, यदि आपकी कोई भी क्वायरी हो, जैसे कि दोस्तों इसके बाद हम डिप्लोमा तो कर लेते हैं, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद हमें प्रॉफिट क्या होता है,
कि हम जैसे अभी आईटीआई में है तो जो भी भर्ती निकलती है उसमें ओनली टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जूनियर इंजीनियर, जेई एई, ये पोस्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी ब्रांच में आप करना चाहो, आईटीआई से जिस ब्रांच में आपने किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन किया तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में ही आपका एडमिशन हो सकता है, कोपा से किया तो आपका सीएस में एडमिशन हो सकता है। तो ये सारी प्रोसेस है जो जो तो मैं आपका जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो जो पोस्ट आपकी बढ़ेगी आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो हुआ पूरा, धन्यवाद।